हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी छात्र बीएसएससी इंटर लेवल 2014 के मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए फैसले का दिन अब आ चुका है। अगली सुनवाई आप सभी के लिए अंतिम सुनवाई हो सकती है, तो आप सभी कोर्ट के फैसले पर नज़र बनाए रखें। बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है और संभावित दिन को देखा जाए तो 12 अप्रैल फैसले का दिन हो सकता है। तो मंगलवार आप सभी के लिए मंगल हो सकता है, लेकिन एक डर भी उन छात्रों को हो रहा है जिन्होंने न्यू एनसीएल दिया है। अगर न्यू एनसीएल अमान्य होता है तो 2000 से 2500 छात्र बाहर हो सकते हैं और ये 2500 छात्र पुनः कोर्ट में केस कर देंगे और ये बहाली फिर से उलझ जाएगी। तो जो भी फैसला आता है उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। और आप सभी घबराए नहीं, आप सभी के साथ दिलीप भैया का सपोर्ट और यूट्यूबर्स का साथ हमेशा रहेगा। यहाँ तक साथ दिए हैं तो आगे भी जरूर देंगे। अगर 12 अप्रैल को फैसला नहीं आता है तो कुछ बड़ा करना होगा। और छात्र नेता दिलीप जी भी बोले हैं कि अगर 12 अप्रैल को फैसला नहीं आता है तो सभी छात्र फिर से एकत्र हो और फिर आयोग पर मेरिट के लिए दबाव बनाया जाए। तो आप सभी मंगलवार तक वेट करें और आप सभी के पक्ष में फैसला आएगा। और आप सभी के जानकारी के लिए बता दूँ कि आप सभी का मेरिट बना दिया गया है, पर यह मेरिट कोर्ट के फैसले के अनुसार बनाया गया है। अगर कोर्ट का फैसला न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट किया जाता है तो मेरिट भी न्यू एनसीएल को प्लस करके मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और वो भी जब फैसला आता है तो उसके अगले दिन ही मेरिट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला न्यू एनसीएल रिजेक्ट करके आता है तो आपका मेरिट भी न्यू एनसीएल वाले छात्रों को छाट कर मेरिट जारी कर दिया जाएगा, जो कि एक काला दिन जैसा होगा, क्योंकि एक फैसले से 8 वर्षों की उम्मीद खत्म हो जाएगी और ना जाने कितने घरों की खुशियां खत्म हो जाएगी। तो भगवान से सभी छात्र बस यही दुआ कर रहे हैं कि मेरिट लिस्ट न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करके जारी कर दिया जाए और छात्रों को इससे ज़्यादा इंतजार अब नहीं होगा। तो सभी छात्र एक बार फिर सुन लें, आप सभी के फैसले का दिन 12 अप्रैल होगा। तो छात्र इंतजार करें, कल का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।